हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो अपडेट हम बताने वाले हैं, पारा शिक्षकों का भुगतान जो है रोक दिया गया है, उसी विषय को लेकर कुछ न्यूज अखबार में निकाले गए हैं जो कि 19 अगस्त 2018 के अखबार में निकाला गया, हिंदुस्तान अखबार में। तो आज हम इसी का अपडेट देने वाले, आखिरकार क्या अपडेट इसमें निकाला गया। अगर आप पारा टीचर है तो हमारे वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा, आप जान पाएंगे कि आखिरकार अपडेट क्या निकाला गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट छापा गया, यहाँ बताया जा रहा है पारा शिक्षक संघ के वेतन भुगतान करने की मांग। तो यहाँ पे क्या खबर निकल कर आया, चलिए हम पूरा डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पारा शिक्षकों का जो है वेतन कुछ महीने से नहीं मिला है, उसी पर यहाँ पे खबर बताई जा रही है। वेतन जो है कुछ दिनों से नहीं मिला है, उसी बारे में यहाँ पर खबर छापी गई है। और उसके अलावा जो अभी मैटर चल रहा है पारा शिक्षकों में वेतन डबल करने का, उसका भी कुछ अपडेट निकाला गया है। तो चलिए पूरा डिटेल हम आपको पढ़कर बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो अपडेट निकाला गया है, एकीकृत संघर्ष मोर्चा पारा शिक्षक संघ की बैठक शनिवार को डाड़ी में हुई। डाड़ी प्रखंड जो है हजारीबाग जिला में पड़ता है, स्टेट झारखंड के जिला हजारीबाग में डाड़ी प्रखंड पड़ता है। इसमें जो बताया जा रहा है, इसकी अध्यक्षता में जगजीवन दास और संचालन जयराम प्रजापति ने किया। बैठक में उपस्थित शिक्षक ने कहा है कि जिला में पारा शिक्षकों के रेशनलाइजेशन ठीक से नहीं किया गया है। वैसे शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया गया है जो शिक्षक जनवरी में विद्यालय का विलय करके दूसरे विद्यालय में जा चुके हैं, जबकि एक विद्यालय में 10 वर्ष तक रहने वाले शिक्षक का रेशनलाइजेशन करने का नियम है। बैठक में पारा शिक्षकों की दक्षता परीक्षा में पास करने वाले नियमितीकरण करने पर भी सवाल उठाया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की तरह पारा शिक्षकों को 8 वर्ष काम करते हो जाने वाले पारा शिक्षकों के स्थायी करने की मांग की गई। बैठक में पारा शिक्षकों के 4 महीने के बकाया वेतन भुगतान करने की मांग भी की गई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पारा शिक्षक का जो वेतन अभी तक ड्यू है, जो बाकी है 4 महीना लगभग हो गया है, अभी तक उनको वेतन नहीं मिला है, तो उनका भी डिमांड यहाँ पे मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जाए। बैठक में शिक्षकों के सांसदों के विद्यालय विलय रोकने की मांग का स्वागत किया गया। बैठक में संदीप कुमार, शमीम अंसारी, तालो मांझी, लोकनाथ महतो, राजेंद्र राजीव महतो, रूपलाल महतो, सत्येंद्र सिंह, कृष्ण गोप, सैनुल अंसारी, रामेश्वर और अन्य व्यक्ति यहां पे उपस्थित थे। तो ये डाड़ी प्रखंड की तरफ से अपडेट निकल कर आया है जो कि जिला हजारीबाग में पड़ता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि पारा शिक्षकों का जो है 4 महीने का वेतन अभी नहीं दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पारा शिक्षकों को 8 से 10 हज़ार रुपये महीना दिया जाता है, जिसमें शिक्षक को हर महीना वेतन नहीं दिया जाता, तो ये बहुत ही बुरी बात। सरकार को हर महीना उनको भुगतान करना चाहिए वेतन के, वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो बहुत ही समस्या की बात है ये। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज करना चाहेंगे कि पारा शिक्षकों को जल्द वेतन बढ़ा दिया जाए और उनको टाइम से पेमेंट दिया जाए। तो अगर आप पारा शिक्षक है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वेतन कितने महीने से बकाया है। तो चलिए आज की मैं इतना ही जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही रोजाना जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।